तो गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगाना कहां तक ठीक है, उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से करनाल पुलिस हर चौक चौराहे पर देखी जा रही है और इन ब्लैक फिल्मों को उतारने का जो काम है वो कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जरूर किया जा रहा है। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। आप ये देख सकते हैं, ये करनाल का अंबेडकर चौक है और करनाल पुलिस लगातार इसी प्रकार से जो ब्लैक फिल्म है, जो आपके चार पहिया वाहन पर ब्लैक फिल्म चढ़ी होती है, उसे उतारने का जो काम है वो कहीं ना कहीं जरूर किया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस का जो चेकिंग अभियान लगातार जारी है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं स्थानीय SHO ललित, उनकी मौजूदगी में जो ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है उसे उतारने का काम जरूर किया जा रहा है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। ये आपकी गाड़ी है सर? आपकी गाड़ी है, शौकिया तौर पे लगवाई थी ब्लैक? नहीं सर। आप फिर किस क्यों लगवाई थी? बस लगी, किसी की उधारी लेकर आए थे जी, करनाल कोई काम शादी थी जी। अच्छा, गाड़ी किसी की मांग के लेकर आए? हाँ जी। आपकी नहीं है? नहीं, हमारी गाड़ी नहीं। देख सकते हैं, सॉरी सर, आइंदा के लिए ऐसा नहीं करेंगे। ब्लैक फिल्म ना लगाया करो, ये कानूनी जुर्म है, 10,000 रुपये चलाना है इसका। हमने सस्पेक्टेड दिखी भी और ये अपने रोक ली और इसको उतरवा दी, वार्निंग देके छोड़ दिया इसको। वार्निंग दे दी जी, चलान नहीं काटा जी, वार्निंग देके छोड़ दिया जी। करना चाहेंगे लोग भाई, ब्लैक फिल्म ना लगाओ, ब्लैक फिल्म लगाना जुर्म है, 10,000 रुपये चलाना है इसका। काफी वारदातें भी होती हैं। हाँ हाँ, होती वारदात बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं लगातार करनाल पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। और निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपने अपनी गाड़ी पर भी ब्लैक फिल्म लगाई है तो आप कृपया करके ऐसा मत करें, अन्यथा चलान तो किया ही जाएगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है, गाड़ी सस्पेक्टेड लगी है और उसके बाद जो है पुलिस खुद यहां पर पहुंची और इस ब्लैक फिल्म को उतारने का काम किया और गाड़ी की तलाशी भी जरूर ली गई। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ब्लैक फिल्म है वो इस गाड़ी पर चढ़ी हुई थी और उसे फिलहाल उतार लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। ये देखिए किस प्रकार से जो ब्लैक फिल्म है उसे फिलहाल उतार लिया गया है और करनाल पुलिस इसी प्रकार से चुकन्नी जरूर रहती है और इससे पहले भी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म उतारने का जो पुलिस का एक अभियान है वो लगातार जारी है। तो निवेदन हमारा सभी से यही है कि आप अपनी गाड़ी में ब्लैक फिल्म मत लगवाएं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये करनाल का अंबेडकर चौक है और इसी चौक पर ही करनाल पुलिस द्वारा जो एक चेकिंग अभियान है वो जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर आप बाहर से आते हैं या करनाल के रहने वाले हैं तो आप अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म मत लगवाएँ, क्योंकि लगातार करनाल पुलिस चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। अगर ब्लैक फिल्म मिलती है तो फिर भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इस तरफ यही रहता है ताकि आप सचेत रहें, आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी प्रकार से बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।